इसे पावर कॉरपोरेशन की लापरवाही कहेंगे या फिर कुछ और। उत्तर प्रदेश के मचरेटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत हीरापुर के गंज गांव में 6 महीने पहले आए आंधी तूफान में विद्युत लाइन पर विशालकाय नीम का पेड़ गिरने से पोल धराशायी हो गए थे। उस वक्त जिम्मेदारों ने ग्रामीणों की मदद से यूकेलिप्टस की बलियों के सहारे विद्युत लाइन खींचकर चालू कर दी थी। अब वही जुगाड़ू व्यवस्था यहाँ के ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि ये बलियां सड़ चुकी हैं। इससे न सिर्फ हर वक्त इनके टूट कर गिरने का खतरा बना रहता है, बल्कि बड़े हादसे की संभावना भी बनी रहती है। आपको बता दें कि विकास खंड मचरेटा की ग्राम पंचायत हीरापुर के मजरा गंज गांव में बीते 10 जून को आए आंधी तूफान में एक नीम का पेड़ विद्युत लाइन पर गिर गया था, जिस कारण 5 खंभे टूट गए थे। तब से यहां के खंभे क्षतिग्रस्त पड़े हैं। बादो दिस के अभी तक नए विद्युत पोल नहीं लगवाए गए हैं। इस समस्या को लेकर इंडिया मचरेटा संवाददाता अरुण कुमार राजवंशी ने गांव पहुंचकर वहां का हाल जाना और ग्रामीणों से बात की। आप भी सुनिए ग्रामीण क्या बोले। आज हम मौजूद हैं मचरेटा विकास खंड की ग्राम पंचायत हीरापुर में, और हीरापुर का मजरा पड़ता है गंज। गंज में जो LT लाइन है 11,000 लाइन से ट्रांसफार्मर से अंदर सप्लाई जाने वाला जो LT लाइन है, ये ग्रामीणों की मदद से बल्लियों पर टांगकर तारों को टांगकर चलाई जा रही है। यहाँ पर ग्रामीण बताते हैं कि काफ़ी 6 महीने पहले लगभग बारिश और तेज आंधी के चलते, एक तूफान के चलते जो नीम का पेड़ गिर गया था तारों के ऊपर, उससे लगभग 5 खंभे टूट गए थे, जो कि खंभे 6 महीने जो हो चुके हैं टूटे हुए, आज तक बिजली विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जो बल्लियाँ जो गाड़ी गई थी वो नीचे से सड़ चुकी हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको बल्लियों का हाल। ये बल्लियाँ हैं जो कि नीचे से सड़ चुकी हैं और पासी से तार निकले हुए हैं, और ट्रैक्टर या कुछ ज़्यादा वाहन गन्ना वगैरह लाद के जब निकाला जाता है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लोग इसको अपने हाथों से लग्गी बल्ली से इसको तार ऊपर उठाते हैं, तब जाके अपनी ट्रैक्टर को निकाल पाते हैं। आइए, कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं पूरी जानकारी। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशेंद्र है जी। और क्या समस्या है? समस्या यही है सर, लगभग 7 महीने 10 दिन हो गए हैं, 10 जून का मैटर है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी यह बन जाए। और हम लोग कई बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं लैंडमैन को, और लैंडमैन 4 बार सर्वे कर चुके हैं इनको, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप लोग जब गन्ना लाद के निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं? अरे बहुत दिक्कत होती है। एक दिन तो करंट लग गया था एक भैया के जी, तो ट्रैक्टर से नीचे गिर गया था। अच्छा, उसकी तबीयत ठीक हो रहा है? हाँ, अब तो ठीक है फिलहाल। काफी पैसे उसके खर्च हो गए। ये जो तार इधर देख रहे हो ये कम से कम 6 फीट की दूरी पे है, और इससे बहुत जान मान का खतरा है। बच्चे और बड़ों को बहुत दिक्कत है। एक और ये बल्ली जो है हमारी, ये नीचे से सड़ चुकी है। आज इसको 7 महीने 10 दिन हो चुके हैं, ये नीचे से बिल्कुल खराब है। ये तो बल्लियां गिरने के कगार पर हैं और हाँ, बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कोई कार्रवाई नहीं। मेरी सरकार से यही निवेदन है, योगी जी की सरकार में ये देखो सबसे बड़ा है। 6-6 महीने अधिकारी आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि 4-5 बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एप्लीकेशन कहाँ पर दी है आपने? अरे पावर हाउस पे दिया। 4-5 महीने पहले आए थे, सर्वे कर ले गए थे, और आज तक कोई भी काम हमारे हिसाब से ठीक नहीं हुआ। वो आके आते हैं, लिख लेते हैं, खंभे की फोटो खींचते हैं, भैया 5 दिन में हो जाएगा। अब जैसे योगी जी तेल लगा, 5 दिन आश्वासन देकर के उसके बाद काम टाल दिया जाता है। सब काम टाल रहे हैं, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। ये योगी जी की वो है, ये समझ लो हम योगी जी से इतना निराश हैं कि आज तक। अब अगर जो कोई की अखिलेश या कोई की सरकार होती तो ये बन जाता हमारा, ये इतने दिन नहीं लगते। आज 7 महीने 10 दिन हो गए, लगभग पूरा साल हो जा रहा है। धीरे धीरे कोई काम नहीं ढंग से हो पा रहा है। आइए, हमारे साथ और कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी जानते हैं आखिरकार उनकी क्या समस्याएं हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार राजवंशी। अशोक कुमार राजवंशी, क्या कैसे क्या हुआ है आपको? किसको एप्लीकेशन दिए हैं? क्या कार्रवाई हुई है? यहाँ एप्लीकेशन क्या, वो अधिकारी लोग आते हैं जी, उनसे बताया गया, वो भी फोटो खींच ले, 4-5 बार सर्वे हो चुका इसका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं यहाँ पर हो रही। देखे खंभे, देखिए जी, वो तो देखे खंभे टूटे पड़े यहाँ पर है। एक व्यक्ति के हमारे वहाँ लग गई थी करंट, लग गया था, उसका काफी पैसा का नुकसान हुआ। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर नागरिक के लिए सरकार है, काम कर रही है। बिजली विभाग किसके द्वारा जांच कराया है? इसमें लाइनमैन के द्वारा कराया है। लाइनमैन आते हैं, साथ में कोई और आया था, फोटो तो खींच ले गए थे जी।
तो आप लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा परेशान तो आप ही देखिए अभी इसमें क्या है, ये तो सब आदमी हमारे के मर जाएंगे। चुप रहो। हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आपका हमारा नाम बाबू जी, हमारा नाम है रामधार। क्या समस्या है? समस्या ये है, खंभे पांच टूटे पड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं है। और आपकी नहीं सुन रहा, बिल्कुल नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है जी। और यहाँ लैंडमैन आता है तो तार जोड़ देता है, उसको जोड़ने के बाद वो फिर हट जाते हैं और ट्रैक्टर निकलता है और कभी कभी हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा ये बताओ? बल्लियाँ तार सब गिरने के कगार पर। हाँ, बल्लियाँ बिल्कुल नीचे गिरने की संभावना है और ये गिर जाएंगी तो हादसा हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? और बिजली विभाग के वो पैसे लेते हैं और तार जोड़ देते हैं, हटा देते हैं, फिर लाइन मैन पैसे लेकर के तार जोड़ के चले जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। टूट जाता है, बिल भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, क्या कह दें? डेढ़ सौ लेते हैं। ये देखिए कि लाइन मैन और ग्रामीणों की मदद से जो बल्लियां पहले गाड़ी गई थी आज के विगत छह महीने पहले, वो बिल्कुल गिरने की कगार पर है, नीचे से सड़ चुकी है और सड़क की तरफ झुक चुकी है। अगर यह गिरी तो ये कम से कम 1200 आबादी वाला गांव किसी दिन महतम छा जाएगा। यह देखिए कि जैसे ट्रांसफार्मर के नीचे सारे तार, एनसीबी बॉक्स, हर एक चीज खुला पड़ा हुआ है। अगर यहां पर कोई जानवर या बच्चा या आम नागरिक कोई पहुंच जाता है तो उसको काफी करंट भी लग सकता है, क्योंकि बिजली विभाग तो इतना लापरवाह हो चुका है, लापरवाही की सारी हदें पार कर चुका है मछरेटा पावर हाउस। नमस्कार, मैं हूँ पंकज सिंह और मैं हूँ विजय ज्योति, मैं हूँ सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कहाँ रहते हो? कुतुब नगर।